मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर फील्ड ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार छपरा के द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सिवान के राजेंद्र पार्क में एकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सिवान के सांसद कविता सिंह और स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह रहे। इस मौके पर सिवान के सांसद कविता सिंह ने देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और फिर कार्यक्रम स्थल पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिवान नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जो हमने आपको दिया, आपने हमें दिया, जो 80 साल हमने दे दिए, वही हमारे लिए एक विश्वास बनता जाएगा, माननीय अजय सर। और उनका यही तो कहते हैं अजय सर, जब भी आते हैं तो कुछ ऐसा कर देते हैं। मैं उन्हें कहा, वो कहे नहीं, हमारे पुरोधान बीच में है, मुंशी सर के साथ उसे हमारा नंबर आएगा, माननीय अजय सर। यह एक विश्वास है, हम लोगों मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि सूचना बनाया जा रहा है और उसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज इस प्रांगण में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन। देखिए, आज हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं जयंती मना रहे हैं और पूरे देश में 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में भी मना रहे हैं। और आज इस दिवस को एकता दिवस के भी रूप में भी हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जो जिन्होंने अनेकता में एकता और अखंड भारत की जो उनकी सोच थी, उनका सपना था, उस सपने उन्होंने अनेकों कार्य किए और उस सपने को साकार आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने ही 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर एकता दिवस के रूप में मनाने का शुभारंभ किया और आज हम सब यहाँ पे मिलके राजेंद्र पार्क स्थित इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और सभी भारतवासियों से, बिहारवासियों, सीमांचल वासियों से यह अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक भारत का सपना देखा था, हम सभी एक होकर भारत की उन्नति, भारत के विकास, भारत की सुरक्षा और भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें और उनके सपने को साकार करें। आज इस देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जन्मदिवस है। जन्मदिवस पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध है और यह भारत सरकार भी उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत्न है। अब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में आज भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग के द्वारा सिवान के राजेंद्र पार्क में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य अतिथि सिवान के माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और इस जयंती के अवसर पर पूरे सिवान जिला सहित पूरे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती तभी साकार हो सकता है, तभी सफल हो सकता है, जब आप उनके पथ चिन्हों पर चले। जैसे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कर दिया है, एक भारत एक कानून लागू करके अखंड भारत का
कल्पना को साकार किया है। इसलिए इस देश के गृह मंत्री जी को भी हृदय से बधाई है कि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सपनों को साकार किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत और एक कानून लागू कर दिया है अपने। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।